फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा सेकंड आउटफिट, ये है मेरा थर्ड आउटफिट, ये है मेरा फोर्थ आउटफिट, ये है मेरा फिफ्थ आउटफिट, ये है मेरा सिक्स्थ आउटफिट, ये है मेरा सेवेंथ आउटफिट। शर्ट सब खत्म हो चुकी है। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, इस बार मैं लेकर आई हूँ सरोजनी हॉल। इस बार मैं सरोजनी गई थी क्योंकि मुझे बहुत टाइम से सरोजनी जाना था। मैं कम से कम 5-6 साल से सोच रही हूँ 5-6 साल कि मुझे सरोजनी जाना है। इस बार मैं फाइनली चली ही गई। और आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे तो उसमें मैं सरोजनी नगर मार्केट गई थी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, विच इज सीना अत्री व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज सरोजनी का ब्लॉग। और सरोजनी मैं गई थी बहुत ही भीड़ वाले दिन, मैं गई थी फ्राइडे, और उस दिन इतना रश था कि मतलब मुझे जितनी चीज़ें समझ में आई उस भीड़ में लेने लायक। एक तो मैं 5-6 साल बाद गई, तो मुझे सरोजनी ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ही बदल गया है। मतलब मुझे लग रहा था कि वाकई में सरोजनी, पहले वो सिंपल उतनी भीड़ भीड़ नहीं होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी है वहाँ पे। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना ले लिया, लेकिन अब मैं जैसे दोबारा जाऊँगी तो मुझे पता रहेगा मुझे कौन सी शॉप पर जाना है, कहाँ जाना है। तो मैं आपके, और वहाँ पे सबसे मेन बात, इतने सस्ते कपड़े, मतलब इमेजिन नहीं करेंगे, 80-50 रुपीज से कपड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने बिलीव ही नहीं करते इतने सस्ते कपड़े मिल जाएंगे वहाँ पे। और मैं खुद हैरान हो गया, इतनी अच्छी क्वालिटी। तो पहले ही पीस आप देख सकते हैं जो मैंने पहना हुआ है, इतना सुंदर सेक्सी सा टॉप, ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ये आप किसी भी पार्टी में पहन के जा सकते हो उसको आराम से। और ये देख रहे हो इसका कपड़ा कैसा है, कितना सॉफ्ट, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं कपड़े को, ये पता नहीं फैब्रिक इसका इतना मतलब पतला है, मुझे ध्यान नहीं है इस कपड़े को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है। देख रहे हो कितना कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैंने सिर्फ 80 रुपीज में लिया है। जब मैंने उस पर देखा वहाँ पे ना ऐसे वो लगी होती है थड़ी टाइप की, और उस पर बोर्ड लगा होता है कि 100 रुपीज 80 रुपीज, तो ये मैंने 80 रुपीज में लिया। मैं तो देख के हैरान हो गई कि इतना सस्ता कपड़ा, मतलब फिर मैंने ये उठाई लेके, तो मुझे लेना ही और पहन के देख रहे आप कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो बहुत ही अच्छा, कोई कह ही नहीं सकता कि ये 80 रुपीज का है। और मैंने बहुत सारे लिए हैं, मैं आपको एक कर करके ट्राई करती रहूंगी और आपको दिखाती रहूंगी, ठीक है। तो पहले पीस आपने देख लिया, मैं सेकेंड पीस पहन के आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा सेकेंड आउटफिट, आउटफिट नहीं टी शर्ट है मतलब, और ये टी शर्ट है वाइट कलर में, ये भी मैंने 80 रुपीज में लिया है। पहले मैं आपको जो सबसे ज़्यादा कम रेंज का वही दिखा रही हूँ। और ये इतना फुल स्लीव टी शर्ट है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। ये H&M वगैरह पे अगर आप लेने जाएंगे ना, ये आपको 800 से कम की मिलेगी नहीं टी शर्ट, क्योंकि वहाँ पर इतने की मिलती है ये टी शर्ट। और इसका फैब्रिक देखोगे आप, ये देखो तनी आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं, कि इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, इतनी वार्म लगती है पहन के, इतनी कंफर्टेबल लगती है। इसको आप आराम से घर में पहन के, रात में पहन सकते हैं, दिन में पहन सकते हैं, बाहर भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, पहन के बहुत ही अच्छी लग रही है ये। 80 रुपीज में इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। अब मैं आपको अपना थर्ड आउटफिट दिखाती हूँ पहन के। ये है मेरा थर्ड आउटफिट, ये है एक रेड कलर की सेक्सी सी टी शर्ट। ये देखो ये थोड़ी लूज फिट में है, ये देखो लूज फिट में, और इसका कलर इतना अच्छा है, वो इतना सुंदर वाला रेड, ये वो है। और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही लाइट वेट है। ये देखो आप रेड कलर कितना सुंदर रेड है ये। ये आप आराम से किसी भी पार्टी में पहन सकते हो, बीच पे पहन सकते हो। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसका जब प्राइस सुनेंगे तो आप हैरानी हो जाएंगे। ये देखो पहन के कितना अच्छा लग रहा है ये। मैंने तो इसको बीच के लिए लिया है कि हम जब गोवा जाएंगे तो मैं इसको डेफिनेटली बीच में पहनूंगी, क्योंकि ऐसी लॉन्ग टी शर्ट्स आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर पे जाके लेंगे तो ये आपको 1200-1500 कम की नहीं मिलेंगी। और ये मुझे इतने सस्ते में मिली है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले बात तो मुझे बिलीव नहीं होता कि कैसे इतने सस्ते में कपड़े ले आते हैं वहाँ से, इतने मतलब 100-150 ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं इतने सस्ते कपड़े, और इतनी अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सस्ता होता है, क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। ये मैंने सिर्फ लिया है 150 में, यस 150, इसके मैंने सिर्फ 150 पे करे हैं। और जब 150 में अब इंसान क्या ही बार्गेनिंग कराएगा, इतना तो मतलब देना बनता ही है, तो पहले ही बहुत कम मांग रहे हैं वो।
150 में इतना समय, मेरे पास रेड शर्ट कोई भी नहीं थी, मैं बहुत टाइम से चाहती थी मुझे रेड शर्ट मिले और मुझे फाइनली मिल गया और मुझे ये पहन के बहुत अच्छी लग रही है। यह देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फोर्थ आउटफिट। ये है मेरा फोर्थ आउटफिट, ये आपको मेरे को पहले दिखाना था, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मुझे पीसेस में अपना नजर आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में दिखा देती, गलतियां तो होती रहती है। ये मैंने लिया एक सिंपल सी टी शर्ट, ये मुझे ऐसी मैं देख रही थी, कपड़े तो मुझे पसंद आ गई थी, ये इसका फैब्रिक ऐसा है, कॉटन फैब्रिक है इसका, और मुझे ऐसा टी शर्ट चाहिए थी ब्लैक एंड व्हाइट में, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी पहन के, डेली वेयर मैंने घर में पहनने के लिए ली है टी शर्ट, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज की मिली है। यस 80 रुपीज, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये, देखिए इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है जो यहाँ तक होती है, मैं शॉर्ट स्लीव्स पसंद नहीं करती, या तो मैं सिर्फ कट स्लीव पहनती हूँ या मैं को इतनी लॉन्ग स्लीव्स अच्छी लगती हैं। ये देखिए इसका नेक भी बहुत अच्छा है, वी नेक है, मुझे तो ये टी शर्ट काफी अच्छी लगी और ओनली ऑन 80 रुपीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फिफ्थ आउटफिट, ये है मेरा फिफ्थ आउटफिट, ये भी एक शर्ट है, ये मैंने सेम स्टॉल से लिया है जहाँ से मैंने रेड वाली परचेज करी थी, वो सिर्फ शर्ट्स का था, उसमें सारी शर्ट्स थी, लूज टाइप की शर्ट्स जो होती हैं ना वैसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आज हम ना एक वेकेशन पे जाने वाले हैं जहाँ पे गर्मियाँ हैं, तो हिसाब से मैंने गर्मियों के लिए, क्योंकि मुझे बीच पे पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे इसलिए मैंने ज़्यादा विंटर वेयर अभी नहीं लिया। तो ये देखें आप, इसका शिफॉन टाइप, ये देखिए शिफॉन टाइप का इसका कपड़ा है, बहुत ही लाइट वेट है और फुल स्लीव्स है इसकी, और इतना सुंदर लग रहा है इसका प्रिंट, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा, और आप मैं जैसे कहती हूँ बाहर आप इन शर्टों को कहीं भी लेंगे जैसे, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, 150 में मुझे ये शर्ट मिली है, तो मैंने डेफिनेट, और उनपे ना सारी लूज टाइप की शर्ट होती है ना, फिटेड टाइप शर्ट नहीं मिलेंगी, सारी लूज लूज सी होती है, और इसको आप ओपन करके अंदर स्पेगेटी डाल के ब्लैक या व्हाइट कलर की पहनेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, नीचे व्हाइट कलर के शॉर्ट्स डाल लो आप इसके साथ, व्हाइट शूज पहन के इसको ऊपर से डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा, और इसको आप ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हो क्योंकि बहुत ही सटल प्रिंट है इसका, ऐसा चटक प्रिंट नहीं है, तो उसको आप ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हैं, बाहर कहीं पर भी पहन सकते हैं आप इसको, और मैंने सिर्फ 150 में लिया है। सरोजनी नगर की एक बात तो है, आपको प्राइस बेशक लिए कम मिले, प्राइस तो होता ही कम है वहाँ पे, लेकिन वो जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं आपको वो बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा नहीं होता कि प्राइस कम है तो क्वालिटी बेकार मिलेगी, क्वालिटी तो ऐसी मिलेगी आप हैरान हो जाओगे कि इतने प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मिल सकती है। तो मुझे तो ये पीस बहुत ही अच्छा लगा, आप बताना आपको कौन कौन सा पीस अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये पीस बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आपको अपना सिक्स आउटफिट दिखाती हूँ, ये है मेरा सिक्स आउटफिट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ये भी लूज टाइप की शर्ट है, इसकी स्लीव्स देखो, और ये मुझे देखते ही इतनी सुंदर लगी, ये भी सेम ऐसी मैंने उसी स्टॉल से ली है जहाँ पे शर्ट थी सारी, जो पहले मैं आपको दो दिखा चुकी हूँ, और ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आया, इसको मैंने सोचा मैं इसको ऐसे स्टाइल करूँगी एक बेल्ट के साथ, क्योंकि ये काफ़ी लूज थी, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बेल्ट के साथ स्टाइल करा है, और ये बेल्ट भी मैंने सरोजनी से लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये देख मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सुंदर बेल्ट लग रही है, ये आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, ब्लैक ड्रेस के साथ, आप किसी भी ब्लैक ड्रेस के साथ आपके सूट कर जाएगी, जो भी लूज टी शर्ट्स होती हैं आपकी उसके साथ भी पहन सकते हैं, जैसे मैंने इसके साथ स्टाइल करा है, मुझे तो ये इसका स्टाइल करके बहुत ही अच्छी लग रही है, ये देखो ये शर्ट कितनी सुंदर लग रही है, और ये बेल्ट लिया है मैंने 300 रुपीज की, आई थिंक 300 या 250 के लिए है, मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं ध्यान, लेकिन इतना ही प्राइस है, उन्होंने पता नहीं 400 या 450 का बोला था, तो मैंने मेरे ख्याल से 300 में लिया है, मैं श्योर नहीं हूँ पूरा, मुझे ध्यान नहीं है अभी प्राइस, और मुझे बेल्ट बहुत ही अच्छी लगी, आपकी वेस्ट कितनी मतलब इतनी सुंदर लग रही है ना ये यहाँ से, और ये शर्ट तो इतना लाइट वेट कपड़ा है, आप उसको बाहर पहन के जाएंगे आपको पता लगेगा नहीं आपने कुछ पहना भी हुआ है, ये देख रहे हो ये है कॉटन है, बहुत लाइट कॉटन है, एकदम लाइट वेट कॉटन है, इतना सुंदर लग रहा है, कौन नहीं कहेगा ये अच्छा लग रहा है बाहर पहनने के बाद, और ये भी प्राइस मैं इसका आपको बता देती हूँ, ये भी 150 का है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे सिर्फ 150 के ही थे, तो सारे ये अभी जो आपको शर्ट देख रहे सारी 150 की हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये आउटफिट। अब मैं आपको अपना सेवन्थ आउटफिट दिखाती हूँ, ये है मेरा सेवन्थ आउटफिट, पहले तो आप इसके प्रिंट को देखिए, सब छोड़ दो पहले इसका प्रिंट देखो आप, ये आप बाहर से ऐसी शर्ट लेने में जाएंगे आपको पता है ये कितना आपको कॉस्ट करेगी, कितनी महंगी मिलेगी, पैसे पहले तो ऐसे प्रिंट जल्दी मिलते ही नहीं है, प्रॉपर बीच
वाइब में, प्रॉपर बीच वाइब्स, या उसको बीच पे पहनेंगे, यू नो सनसेट ब्लू, पूरा वाटर पानी पानी ब्लू ब्लू है, पानी पानी टाइप फीलिंग आ रही है मुझे इसमें। इतनी सुंदर आपकी रील्स बनेंगी, फोटोज आएंगी, ये प्रॉपर गोवा वाइब है। मैं इसको पक्का गोवा में ही पहनूंगी, जब हम गोवा जाएंगे तो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा कि मैं इसको गोवा में वेयर करूंगी बीच पे। आप इसको आराम से ऐसे ही बीच पे पहन के जा सकते हो, इतना सुंदर लगेगा ना सनग्लासेस लगा के। इतना लूज फिटिंग में, इतना लाइट कपड़ा है इसका, ये देखो जो बहुत ही लाइट वेट कपड़ा है इसका। और ये भी मुझे कॉस्ट करा है 150। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसी शर्ट, मेरे पास शर्ट्स बहुत ही कम थी, तो इस बार मैंने सरोजनी में ज़्यादा मतलब टी शर्ट्स में और विंटर वेयर में कलेक्शन करने में टाइम वेस्ट नहीं करा। मैंने इस बार जैकेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं ली क्योंकि विंटर वेयर मेरे पास है ज़्यादा, तो इसलिए मेरे पास शर्ट्स नहीं थी काफ़ी टाइम से। मुझे अच्छी शर्ट्स कहीं पर मिल भी नहीं रही थी, शर्ट मिलना ना बहुत मुश्किल होता है अच्छी अच्छी, तो सरोजनी में मुझे इस बार जो इतनी अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल गई एक ही जगह पे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार शर्ट्स का कोटा पूरा कर लेते, सारी शर्ट्स ही ले लेते हैं। और ऊपर से आपको वेकेशन में मुझे ऐसे जाना है जहाँ पे मुझे शर्ट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होंगी, बीच टाइप के कपड़े चाहिए होंगे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसको आप ओपन करके अंदर स्वेटर डाल के पहनोगे तो ये कितना सेक्सी लगेगा, कितना हॉट लगेगा, देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है। आपको बहुत ही अच्छी इसमें रील्स बनेंगी, फोटोज आएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आउटफिट। शर्ट सब खत्म हो चुकी है, ये पहली जैकेट है मेरी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो आप इसका प्रिंट देखिए, ये कितना सुंदर प्रिंट है, ये देखो, लुक एट दिस, इतना सुंदर लगा मुझे देखते ही। ऐसे ऊपर स्टॉल पे लगा हुआ था तो मुझे देखते ही पसंद आ गया, क्योंकि मुझे एक ऐसा पीस चाहिए था जो थोड़ा सा ना मतलब ऑफिस वेयर मीटिंग वेयर में आप उसको पहन सको, तो इसलिए ये मैंने लिया है। बेसिकली मुझे कहीं ऑफिस जाना पड़े, मीटिंग्स में जाना पड़े, तो मैं वहाँ पे पहन सकूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसके पॉकेट्स भी हैं। मैंने इसको नीचे ब्लैक स्पेगेटी के साथ पहना है, आप इसको किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, मुझे इसी के साथ अच्छा लगा। देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही लाइट वेट है। और ये मुझे कॉस्ट, उन्होंने पहले मुझे रेट बताया था 700 या 800 अराउंड समथिंग, मैंने इसको 500 का लिया है, और मुझे 500 में तो बहुत अच्छी डील लगी। मतलब ये ऐसा है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा ठंड नहीं रुकेगी, नॉर्मल उसमें पहनने के लिए, ज़्यादा ठंड में पहनने के लिए नहीं है। जैसे अभी मौसम है इस टाइम पे, तो उस मौसम में इसको डेफिनेटली आप आराम से पहन सकते हो रात में। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इससे अगर इसके साथ ज्वेलरी डाल लो कुछ गोल्डन ज्वेलरी, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा पीस तैयार होके। फिर मुझे तो ये पीस काफी अच्छा लगा। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट लास्ट आउटफिट, जो कि सबसे अच्छा आउटफिट है जो लास्ट बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं आपको एंड में ही दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। पहले आप इसको आराम से देख लीजिए, ये कितना सुंदर है, देख रहे हो, ये है एक लॉन्ग कोट। अब मुझे इसको पहन के ऐसी फील आ रही है, मुझे अभी भी कश्मीर जाना है, गुलमर्ग जाना है, और रील्स बनानी है, फोटोज खींचनी है इस आउटफिट में। ये इतना सुंदर है, इस पर तो मेरी नजर जब पड़ी, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग कोट चाहिए था, क्योंकि इस बार हमारा विंटर में भी मतलब बनेगा वेकेशन जाने का, तो वहां के लिए मुझे एक लॉन्ग कोट चाहिए था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो, मुझे नॉर्मली चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग कोट ऐसी चीज होती है कि आप बार बार नहीं पहन सकते, रिपीट रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां जाके मैं एक लॉन्ग कोट तो मैं जरूर लूंगी, और मुझे ये देखते ही पसंद आ गया। ये देख रहे हो आप, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ आप नीचे जीन्स डालो, हाई बूट्स डालो, कितना सुंदर लगेगा, ये देखो बहुत ही सुंदर। और जब आप इसको स्नो में होगे, फोटोज खींचोगे, क्लिक करोगे, तो ये बहुत ही अच्छा कैट है। आप इसको पार्टी में ही पहन सकते हो, क्योंकि आप इसका कपड़ा देखो, इसमें ना हल्के हल्के शिमर्स हैं, ये देखो, ये आपको देखने कि नहीं, बहुत हल्के हल्के शिमर्स हैं, तो आप इसको जब रात में पहनोगे ना, ये इतना अच्छा लगेगा, इतनी अच्छी लाइट देगा, बहुत ही सुंदर। ये पीस मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और मैं इसको आपका रेट बताऊंगी, ये मुझे उन्होंने 1200 का बोला था। पहले तो बात है कि मुझे लगा कि 1200 में भी ये वर्थ है लेना, क्योंकि इतना तो 1200 में कहीं मिल ही नहीं सकता, 1200 में भी ये वर्थ थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, सरोजनी आया है तो बार्गेन नहीं कराया तो फिर क्या करा, मैंने कहा बार्गेन तो कराना ही है, तो मैंने ये लिया है 800 में। कराने को मैं कम उनसे और भी करा सकती थी, वो कम कर भी देते, लेकिन मुझे लगा ठीक है
इतना भी ज्यादा कम नहीं कराना चाहिए, उनको भी कमाना होता है। तो मैंने कहा 800 में भैया फाइनल करो, वो 900 बोल रहे थे, मैंने 800 में फाइनल कर दिया उसको, तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी दे दिया। तो ये देख रहे हो कितना सुंदर, मुझे इसका कॉलर बहुत अच्छा लगा, ये जो ऐसे कॉलर जा रहा है बहुत ही सुंदर। इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ तक है अच्छी बात है, यहाँ तक स्लीव्स नहीं है तो क्या होता है ना, स्नो में वगैरह में आप पहनोगे तो गीली होने की टेंशन रहती है, बार बार हाथ पीछे करते रहो, स्लीव्स पीछे करते रहो। तो ये बहुत ही अच्छा साइज है स्लीव्स का, और मुझे ये पीस सबसे सुंदर लगा। एक तो क्या है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें शाइन है, मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये पीस। आप बताना आपको ये पीस कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और 800 में भी बताना आप ये वर्थ है या नहीं है लेना। और मैं सरोजनी अब तो जाती रहूंगी, मुझे पता चल गया पहली बार जाके वहां पे कि क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और पहली बार चले ना तब की हिम्मत भी खुल जाती है कि अब पता है हम वहां जाके शूट कर सकते हैं। पहली बार थोड़ा अजीब लगता है कि लोग देख रहे होते हैं आपको, कैमरा पकड़ा हुआ है आपने। और आप सब तो सरोजनी जाते हैं, तो मुझे बताना कि आप वहां से क्या लेते हैं, कौन सी शॉप से लेते हैं, क्या लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, तो प्लीज मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आपके लिए और वीडियोज ऐसी अच्छी अच्छी लाती रहूंगी। बाय।